नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देश का दिल दहलाने वाले मध्य प्रदेश में सतना जिले की मैहर शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर माँ दुर्गा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ श्रद्धालु जन माता का दर्शन कर उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। माँ मैहर देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। महावीर आला उदल को वरदान देने वाली माँ शारदा देवी को पूरे देश में शारदा माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोप वे बनने से अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो गई है। मैहर का मतलब माँ का हार, ब्रह्मांड की भलाई के लिए। भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है मैहर देवी का मंदिर। जहाँ माँ सती का हार गिरा था, मैहर का मतलब है माँ का हार, इसीलिए इस स्थल का नाम मैहर है। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के बारे में दूसरी रोचक दंत कथा भी प्रचलित है। बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह, जो देव नाम के राजा शासन करते थे, उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी, तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वही द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंस कर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा, सब होते हुए सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीते सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।